का ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सीतापुर से दिल दहला देने वाली घटना बताई थी, जिसमें एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। वही एक दूसरा मामला प्रयागराज से सामने आ रहा है, जहां पर महज 50 रुपए के लिए एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। मामला कौंदियारा थाना क्षेत्र के मिश्रा बांध इलाके का है, जहां मां ने बेटे को 50 रुपए देने से इनकार कर दिया और वही उसको महंगा पड़ गया। पैसे न मिलने पर बेटे के सिर पर खून सवार हो गया और उसने पास में रखे फावड़े से मां पर वार कर दिया। इस हमले में मां की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो टीम ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। ये आज मॉर्निंग में लगभग 6 बजे के आसपास माँ और बेटे में विवाद हुआ, जिसमें उसके पिता और क्या कहते हैं उसकी बेटी और एक बेटा, ये तीनों भी मौके पर मौजूद थे। इसमें माँ बेटे के विवाद में जो बेटा है उसने माँ को, बेटे कुंवर बहादुर ने माँ रामप्यारी पटेल को फावड़े से मार दिया, जिसमें उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। माँ की उम्र लगभग 50 साल थी। इसमें पैसे का विवाद था, कुछ वो पैसे की मांग रहा था कि मुझे भी खर्च दो। उसे ये शंका थी कि वो बाकी बच्चों को पैसा देती है लेकिन मुझे नहीं देती। इसी विवाद में उसने फावड़े से इन पर प्रहार किया, मौत हो गई है। इसको अरेस्ट कर लिया गया, मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता सैयद आकिब रजा जुड़ गया है फोन लाइन पर। जी सैयद, आपसे जानेंगे, एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है, पूरा मामला आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, बेहद संदिग्ध ये मामला सामने आया है और आज 6 बजे की ये पूरी घटना है। और ऐसे में एक बेटे ने अपनी माँ के ऊपर फावड़े से अटैक किया और जिसके बाद माँ जो है उसकी मौत हो जाती है। अगर हम घटना की बात करें तो बेटे को ये शक था कि उसकी माँ उसको पैसा नहीं देती है और सिर्फ और अन्य परिवार के जो छोटे बच्चे हैं इसी बात को लेकर के बेटा काफी नाराज था। अपने पिता से वो बहस भी कर रहा था, लड़ाई भी कर रहा था और इसी दौरान उसके ऊपर खून सवार होता है और वो अपनी माँ पर हमला करता है और जिनकी वजह से माँ की मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि जो पुत्र है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।